हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओटीटी एग्जाम 2024 किसी इंपोर्टेंट एनवायरमेंटल स्टडीज उपरे। आपनकर एनवायरमेंटल एडी आमर एल छाड़ दे किसी टेंशन नाही, एनवायरमेंटल स्टडीज एल रहिबो तो किसी टेंशन नाही। तो आमर एन ईवीएस आम जहाँ कौन सर्टकट रे ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज रो क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, 60 क्वेश्चन अछि एथरे आपनर कंटेंट अछि आउ ईवीएस रो पेडागोजी मध्ये आम डिस्कशन करिबा। तो आपन चाहिले 60 रु केते मार्क रखुछन्ति कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो आपनकर अपकमिंग एसएसटी सेवक सेविका पे मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रही आपनकर, व्हिच इज नॉट द एम ऑफ फर्स्ट एड। से कहछि केउंटी प्राथमिक चिकित्सार लक्ष्य नुहे। पेन रिलीफ ऑफ द इंजर्ड, इंप्रूवमेंट इन कंडीशन, टेम्पररी ट्रीटमेंट, परमानेंट रिलीफ, कोटा नुहे से पचारि छि। आमर फर्स्ट एड रो लक्ष्य कोटा नहीं, प्राथमिक चिकित्सार लक्ष्य होछि जे आमर आहतर कष्ट लाघव हो, जहाँ किसी माड हो तार कष्टा पेन टाइम कमी बो। फर्स्ट एड आम मनकर माड टी होगा आपर फर्स्ट एड मैंने आपड़ कौन न्यूस्प्रिन गोटे अएंटमेंट लगोज जहाँ टी जो कष्ट होता कमी आवस्था टी आम प्रोग्रेस हम अवस्था इम्प्रूवमेंट हम आईटा हूँ टेम्पररी आमर ट्रिटमेंट अटे टेम्पररी अटे कि परमानेंट रिलीफ नुहे, स्थायी उपशम नुह। फर्स्ट एड आप इमरजेन्सी हटात पर करा जा तो यहाँ परमानेंट रिलीफ नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी हिज करेक्ट आंसर, स्थायी उपशम नुहे। ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, बबीता इज सफरिंग फ्रॉम वेरी वेरी व्हाट डेफिशिएंसी ही हैज। ही नहीं सी हम एक्चुअली लेडीजटा ना ये सी हम। तो बबीता इज सफरिंग फ्रॉम वेरी वेरी व्हाट डेफिशिएंसी सी हैज। सी हम कहीं स्त्री लोक तो देखो से कौन बबीता को कौन है ना बेरी बेरी रोग है तो कौन अभाव है कौन अभाव बेरी बेरी हो पचारि विटामिन बी वन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। तो आम बेरी बेरी जो रोगटा हो कहा अभाव रोचे आमर विटामिन बी वन डेफिशिएंसी रो विटामिन बी वन अभाव रे आमर बेरी बेरी रोग हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर, विटामिन बी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस कॉमनली नोन एज लफिंग गैस। से कहते या भितर कौ गैसटा को साधारणतः लफिंग गैस कहुच्छे कौटा लफिंग गैस पचारि आमर चार ऑप्शन दे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ना सोडियम ऑक्साइड। तो लफिंग गैस क्या कहुए ना नाइट्रस ऑक्साइड को कहुए लफिंग गैस। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। या भितर कौटा गोटे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माने रिन्यूएबल माने पुणी थे आम यूज रिन्यू कर। तो देखते रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौटा से पचारि नेचुरल गैस, कोल, सोलार पावर, न्यूक्लियर पावर। तो देखु सोलार पावर हो गला आमर कौन ना सोलार पावर है गोटे रिन्यूएबल रिसोर्स सौर शक्ति किंतु कोईला, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर एगुड़ाक रिन्यूएबल नुहे। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच क्राइटेरियन ऑफ द स्टैंडर्डाइज टेस्ट रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोरर। ये क्वेश्चन आप मानकर पेडागोजिक क्वेश्चन सोशियाल आमर कौन सोशियाल स्टडीज ईवीएस आसूरी आप मानकर नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्वेश्चन आसूरी। तो देखो से कहते व्हिच क्राइटेरियन ऑफ द स्टैंडर्डाइज टेस्ट रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोरर। आपन को सब कही कंसिस्टेंसी वर्डटा देख ल आखि बुझिकी मारे रिलायबिलिटी हम कंसिस्टेंसी माने स्थिरता कंसिस्टेंसी अच्छी माने आखि बुझे मारे यहाँ रिलायबिलिटी हम। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपटा मत पेडागोजी क्वेश्चन रही, व्हिच मेथड इज मोर यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री एट प्राइमरी लेवल। से कहते आमर इतिहास शिक्षादान निम्ते प्राथमिक स्तर में क्यों पद्धति अधिक उपयोगी अटे।
प्राइमरी लेवल रे हिस्ट्री टीचिंग पाई को मेथडटा सबडर अधिक उपयोगी अटे बोली से पचारिछि। ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, स्टोरी टेलिंग, प्रोजेक्ट, एक क्वेश्चन टा तीन थर रिपीट होती 2012 लेकिन 2022 भीतर तीन थर रिपीट होती। तो देखु आमर प्राइमरी लेवल रे हिस्ट्री टीचिंग पाई मोर यूजफुल मेथड होची स्टोरी टेलिंग बा गल्प कथन, ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑन व्हिच रिवर बेड इज द बरेहीपाणी वाटरफॉल लोकेटेड, यहाँ आमर ईवीएस क्वेश्चन। तो से कहे आम बरेहीपाणी वाटरफॉल बरेहीपाणी जलप्रपात को रिवर बेड पर अच्छी को नदी पर बरेहीपाणी वाटरफॉल को नदी अच्छी आमर एटा अच्छी बुढ़ाबलंग नदी, बुढ़ाबलंग नदी ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर बुढ़ाबलंग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोजेक्टेड एड, ये हूँ आपर कौन ना पेडागोजी क्वेश्चन। से कहते कौटे या नॉन प्रोजेक्टेड एड, ये क्वेश्चन आपर सीडीपी सेक्शन में मतलब देखा मिले आपर ये साइंस पेडागोजी भी आसो आमर मैथ्रे भी आसूसी आप नॉर्मल ईवीएस भी आसूसी सोशल साइंस आसूसी सोशल स्टडीज आसूसी। तो पेडागोजी आप क्यों थ्री भी आसपार से समस्त इंपोर्टेंस रोचे। तो से कहते कौटा गोटे नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड बोली से पचार फिल्म स्ट्रिप चार्ट एपिडास्कोप स्लाइड कौटा गोटे नॉन प्रोजेक्टेड देखु फिल्म स्ट्रिप एपिडास्कोप स्लाइड एगुड़ा हूँ प्रोजेक्टेड टीचिंग एड प्रोजेक्टेड किंतु चार्टा हूँ नॉन प्रोजेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर चार्ट, चार्ट इज ए नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट द एम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, यहाँ मतलब पेडागोजी क्वेश्चन। से कहते कौटा गोटे एनवायरमेंटल स्टडी लक्ष्य नुहे से पचार टू एनालाइज एनवायरमेंट, टू पॉल्यूट एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू आइडेंटिफाई लर्निंग टेक्निक ऑफ एनवायरमेंट। देखो से कहते आम एनवायरमेंट स्टडी आम परिवेश विज्ञान रिगार्डिंग कौटा तार लक्ष्य नुहे, परिवेश विज्ञान लक्ष्य होची आम परिवेश विषय एनालाइज करवा एटा तार तार एम अटे। तापर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करवा आम परिवेश को सुरक्षा करवा एटा मतलब तार एम अटे। आउ आइडेंटिफाई लर्निंग टेक्निक ऑफ एनवायरमेंट आम परिवेश विज्ञान जो एनवायरमेंट रो जो लर्निंग टेक्निक को आइडेंटिफाई करवा एगुडा कहो तार एम अटे कौटा नुहे टू पॉल्यूट एनवायरमेंट आम परिवेश को प्रदूषण करवा यहाँ लक्ष्य नुह ना एनवायरमेंट स्टडी लक्ष्य जे आम परिवेश प्रदूषित करवा प्रदूषित करार लक्ष्य नुहे विशुद्ध रखा दरकार। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग मेथड इन व्हिच क्लासरूम टीचिंग इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द टीचर इज कॉल्ड, से कहे गोटे टीचिंग मेथड जो थी कि टीचर कंप्लीट क्लासरूम को कंट्रोल करुच्छे माने टीचर ही सेठी मुंडी टीचर ही सेठी मेन टीचर जहाँ कह सब पिला माने चुपचाप बस कि शुणे माने टीचर द्वारा कंट्रोल रोचे से कौ प्रकार क्लासरूम हम सीटा हम कौन ना टीचर ओरिएंटेड हम टीचर ओरिएंटेड बा टीचर सेंटर्ड हम ऑप्शन नंबर ए हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हिच माउंटेन पिक इज नोन एज के टू आमर या भितर कौ माउंटेन को के टू बोली कहुए कांचनजंगा गडविन अस्टिन नंगा पर्वत काराकोरम। तो के टू के टू कार अन्य नाम ना गडविन अस्टिन माउंट गडविन अस्टिन अदर नेम हो के टू मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे इन व्हिच पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज फूड स्टोर्ड फूड स्टोर्ड, से कहे कॉलीफ्लावर बा फुलकोबी आम जो कहते फुलकोबी कॉलीफ्लावर कहते तो से जो कॉलीफ्लावर आमर कॉलीफ्लावर फूड कौट स्टोर हो स्टोर होमर रही रूट फ्रूट स्टेम इनफ्लो इनफ्लोरेसेंस। तो कौटी ना ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इनफ्लोरेसेंस ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, से कहते या भितर आम मिल्क रु कौन आम पाँच व्हिच वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क मिल्क रु आम कौटा आम पाँच सक्रोस गैलेक्टोज लैक्टोज ना माल्टोज। तो ऑप्शन नंबर कौन हम आम कौन पाँच ऑब्टेन्ड कौटा कौन मिल्क रु आम लैक्टोज ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द वर्क ऑफ मेकिंग फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस,
ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେ ସମୟରେ ଆମର ଗଛର କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବନାଏ କେଉଁଟା ରୁଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ନା ଲିଭ୍ସ ଗଛର କ'ଣ ପତ୍ର ଆମର ଲିଭ୍ସ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବନାଏ ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲିଭ୍ସ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା କେବେ କରାଯାଇଥିଲା 1942, 1947, 1948, 1950 ତା'ପରେ କେବେ 1948 ଆମର 26 ଜୁଲାଇ 1948 ଆମର ହୋଇଥିଲା ଆଉ 26 ତାରିଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତା'ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 26 ତ ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସେ ପଚାରିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଟ୍ ପଚାରିନି ସେ ଖାଲି ଇୟର୍ ପଚାରିଛି ତ 1948 ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ 1948 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନା ଚିଫ୍ ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଡେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଡିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ କହୁଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଚାହା ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବା ଅଗ୍ରଣୀ କେଉଁ ଦେଶ ଚାହା ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟେ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଛି କେଉଁଠି ଆମର ଚାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଚାହା ହେଉଛି ଆସାମରେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସାମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ସେ ଅପ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଚାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 2 ଥର ରିପିଟ୍ କରିଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସେ କହୁଛି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରକ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଥର ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି ବା ଶିଳା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ଇଗ୍ନେସ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ତ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଗ୍ନେସ୍ ରକ୍ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇଗ୍ନେସ୍ ରକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଫ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ସେ କହୁଛି ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ଡିଜିଜ୍ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଡିଜିଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଏଡିସ୍ ମସ୍କିଟୋ କୁଲେକ୍ସ ମସ୍କିଟୋ ହାଉସ୍ ଫ୍ଲାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଆମର ଏଡିସ୍ ଏଜେପ୍ଟି ମସ୍କିଟୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦ ବାୟୋକେମିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଇଜ୍ ସେ କହୁଛି ମାନବ ଶରୀରର ବାୟୋକେମିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନବ ଶରୀରର ବାୟୋକେମିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଭର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲିଭର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ସେ କହୁଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି କୋଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ ତ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ହେଉଛି କେଉଁଟା ଆମର କୋଲ୍ ତ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ନୁହେଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ନୁହେଁ କି ୟୁରାନିୟମ୍ ନୁହେଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଆମର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଏନିମଲ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ସେ କହୁଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ରାତିରେ ଆମର ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ବା ରାତିରେ ବୁଲନ୍ତି ତ କ'ଣ ଆଉଲ୍ ରିଆଟ୍ କକ୍ରୋଚ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଲ୍ ରିଆଟ୍ କକ୍ରୋଚ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର ରାତିରେ ସେମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଡଜ୍ ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସେ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷକ ରୂପେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନା ଲୋକସଭା ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ରୂପେ କାମ କରୁଛି କିଏ ସିଏ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ସେ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ସେ କହୁଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ରୋଗଟା ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଅଭାବରୁ ହୁଏ କେଉଁ ରୋଗଟି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ହୁଏ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ସ୍କର୍ବି ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ବେରି ବେରି
तो कौटा देखो बेरी बेरी आप कहली विटामिन बी वन विटामिन बी वन तो यहाँ विटामिन बी द्वारा होची नाइट ब्लाइंडनेस आम अंधार कण रोग विटामिन ए द्वारा होची आ स्कॉर्बिट होची विटामिन सी द्वारा होची तो बाकी रहा ऑस्टियोमालेसिया रिकेट्स एगुड़ा होची विटामिन डी अभाव तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर ऑस्टियोमालेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विद द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेडागोजी क्वेश्चन रही से कह भर कौटा गोटे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रो सहित संपर्कित नुहे क्वेश्चन प्रिपेरेशन इज रिलेटिवली इजी एंड सिंपल मोर टाइम इज रिक्वायर टू राइट द आंसर एंड फॉर इट्स असेसमेंट द एग्जामिनी एक्सप्रेसेस हिज इंडिपेंडेंट थिंकिंग देर इज नो सब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट। देखो से कहते आम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सहित कौटा संपर्कित नुहे क्वेश्चन प्रिपेरेशन इज रिलेटिवली इजी एंड सिंपल तो देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आम प्रिपेरेशन कराया सहज आ सरल अटे यहाँ ठीक अच्छे मोर टाइम इज रिक्वायर टू राइट द आंसर एंड फॉर इट्स असेसमेंट से कहते आमर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थी तेल समय अधिका लगुच लिखापी समय अधिका लगे कहीं पेज दि पेज आम लिखा पेज कि दि पेज लिखा तो समय अधिक लगे तो असेसमेंट करने सी जो मैंने असेसमेंट करके समय लगे पेज दि पेज देखिए से हिसाब से देखिक देवे तो यार समय अधिक लगे असेसमेंट समय अधिक लगे ये ठीक अच्छे तापर रही द एग्जामिनी एक्सप्रेस हिज इंडिपेंडेंट थिंकिंग हाँ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रे कौन हो ना जो परीक्षार्थी तार इंडिपेंडेंट थिंकिंग तार थिंक ओपन ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा यहाँ से तार थिंकिंग रो इंडिपेंडेंट स्वाधीनता पाऊँ से निजे ता मन को जहाँ हो लिखिपार एक्सप्रेस कर निज माइंड रु इंडिपेंडेंट से स्वाधीन हो जाए कार से तार से रेस्ट्रिक्शन ना तो ये तीन टाक स्टेटमेंट एसोसिएटेड अटे तो कौटा नुहे हम तो ऑप्शन रो कौन हम ना आप ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हम आम करेक्ट आंसर कौन हम आप ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा तो को क्वेश्चन थे क्वेश्चन हाँ तो आप ये क्वेश्चन था कौन हम देखो आप क्वेश्चन प्रिपेरेसन सरल आज अटे आप अधिक समय लगे आंसर लिखापी एवं आसेसमेंट करापी आउ एग्जाम जो परीक्षार्थी ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग रोज निजे निज स्वाधीनता रोजे जहाँ ता माइंड से लिखिपार आ किंतु से कहते देर इज नो सब्जेक्टिविटी इन आसेसमेंट आसेसमेंटर कौन सी व्यक्तिनिष्ठता रोना ये पूरा पूरी भूल देखो मनकर आम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दस मार्किया क्वेश्चन रही तो ये आम सब अधिक बायसनेस रायसनेस अंतरपातर व्यक्तिनिष्ठता रे जड़े चाहिए दस रु दस जन को देपार जन को चाहिए दस रु सात दब सात अधे देपे आठ अधेपे नईपे जीरो आमर एक देपे एक अधे देपे तो आम अंतरपातर हम ये बायसनेस र लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सब अधिक बायसनेस अधिक सब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता रहिबो जन टीचर चाहिए जन को दस दब जन को सात दब अंतरपातर कर तो ये आम ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर देर इज नो सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी ये सब अधिक रहिबो नो दे तो ये आम हेनी तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू डीड कन्फे द टाइटल महात्मा अन् गांधीजी से कह गांधीजी को किए महात्मा टाइटल सम्मानित करते तो किए महात्मा बोली संबोधित करते से पचारि तो किए करते सी होती रवींद्रनाथ टेगोर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर रवींद्रनाथ टेगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट से कहते या भितर कौ कोर्ट चाहिए तार निज जजमेंट को से रिव्यू कर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज ना सब जज तो करेक्ट आंसर हो सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी से कहते मानव शरीर सबुठारु बड़ आमर इंटरनल ऑर्गन आमर अंतर सब बड़ पार्ट कौटा से पचार स्टोमक किडनी हार्ट ना लिभर तो सब बड़ हूँ लिभर ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर लिभर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चिलिका बिलंग्स टू व्हिच कैटेगोरी चिलिकाटा आम कौ कैटेगोरी आसूस से पचारि
चिलिका गोटे जू ना सेंचुरी ना नेशनल पार्क ना बायोस्फीयर रिजर्व। चिलिका हूँ कौन गोटे कौन चिलिका बिलोंग्स टू सेंचुरी कौ सेंचुरी ना बार्ड सेंचुरी BIRD बार्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य से पक्षी अभयारण्य ना कौन ना नलबन NALABAN नलबन पक्षी अभयारण्य बार्ड सेंचुरी तो ये ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर सेंचुरी अभयारण्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच माउंटेन पास इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयस से कोची ईस्टर्न हिमालय रे को माउंटेन पास अछि ईस्टर्न हिमालय रे को माउंटेन पास अछि बुर्जिल लिपुलेख जोजिला ना नाथुला हमर ईस्टर्न हिमालय रे जो माउंटेन पास अछि सेटा होची नाथुला ऑप्शन डी होज करेक्ट आंसर नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेरिडियन इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर इंडिया इंडिया कौटे गोटे मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन आमर से निर्धारण करा जाए इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन अच्छी 82.5 degrees ईस्ट 82.5 degrees ईस्ट ऑप्शन नंबर बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू मर्क्यूरी पॉइजनिंग से कहते मर्क्यूरी पॉइजनिंग द्वारा कौ बीमारीटा आमर हुए मर्क्यूरी पॉइजनिंग द्वारा आमर कौन होची पेलेग्रा मीनामाता इताइताई ना रिकेट्स तो आमर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर मीनामाता डिजीज हुए ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर मीनामाता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड से कहते जे आम इकोसिस्टम रे टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट अच्छी कौन कह कौन कह कहुए बायोमास कहुए ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस कौटा गोटे ग्रीन हाउस गैस नुहे कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन का आर्गन और मिथेन कौटा नुहे से पचार देखु सबुठ अधिक आमर सब नंबर वन आमर ग्रीन हाउस गैस होची मिथेन देन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देन ओजोन तो आमर कौटा नुहे ना आर्गनटा नुहे आर्गन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एगुड़ाक हूँ नॉन ग्रीन हाउस गैस नुहे ए तीन टा आर्गन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ए तीन टा मन रखिए आर्गन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ए तीन टा हूँ नॉन ग्रीन हाउस गैस तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी केनाल से कहते एलिमेंटरी केनाल रो सबुठ बड़ पार्टा कौन एलिमेंटरी केनाल रो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन स्टोमाक ओसेफोगोस लार्ज इंटेस्टिन ना स्मॉल इंटेस्टिन तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी स्मॉल इंटेस्टिन ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू होम ए टीचिंग एड इन टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी इज मीन्ट तो आमर पेडागोजी क्वेश्चन रही से कहते जे ज्योग्राफी टीचिंग पाई को टीचिंग एडटा उद्दिष्ट अटे उद्दिष्ट अटे स्टूडेंट पाई ना टीचर पाई ना बोथ स्टूडेंट टीचर पाई ना स्कूल पाई देखो ज्योग्राफी टीचिंग एटा उभय स्टूडेंट एंड टीचर पाई दरकार अटे टीचर को पढ़ेबारे सुविधा हुए आ पिला बुझे सुविधा अटे सहजरे बुझिपार तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच गैस इज रिलीज फ्रॉम लैंडफिल वेस्ट से कहते लैंडफिल वेस्ट रु आम कौ गैसटा रिलीज हुए लैंडफिल गैस वेस्ट रु लैंडफिल वेस्ट रु आम गैस रिलीज होटा से मिथेन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच विटामिन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इयरली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी जिते बड़े महिला मैंने प्रेगनेंसी प्रेगनेंट रहंती बा गर्भवती थांती गर्भवती रो प्रथम एर्ली स्टेज मैंने स्टार्टिंग दुई तीन मास हो से समय कौटा अधिक दरकार कौ विटामिन दरकार अधिक थायामिन फॉलिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड ना नायासिन बा नियासिन कौन हम ना प्रेगनेंसी रो एर्ली स्टेज रे स्टार्टिंग मास दुई मास होय थिबो से समय कौन दरकार आमर विटामिन ना फॉलिक एसिड आ आयरन
आयरन तो देनी फॉलिक एसिड दे फॉलिक एसिड मारे आम समस्त जानते अंगनवाड़ी आम से देख आर दुई मास तीन मास है तो घरे घरे जामर फॉलिक एसिड आयरन टैबलेट एसबू दौर कि आमर ओडिशा रे लोक मैंने खाऊ ना कहीं सरकार दौर गवर्नमेंट रहा लो क्वालिटी रही थी तो कई खाऊ ना यहाँ कि यूज करना एमती कि आम घर भी यूज करूना समस्त प्राय गवर्नमेंट ऑर्डिनरी रही बोली के यूज करना किंतु आम फॉलिक एसिड आम यूज हो प्रेगनेंसी इयरली स्टेज रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज डिटरमाइंड बाय द प्लेसमेंट इवैल्यूएशन से कहते प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आम कौन डिटरमाइन कर निर्णय करुच्छे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आम कौन निर्णय करा भितर चार ऑप्शन भितर एंट्री बिहेवियर ऑफ पीपल्स माइनर लर्निंग ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ पीपल ओवर पीपल नुह पीपल्स मैं स्टूडेंट्स लर्नर कहीपर पीपल कह दूसरी पुपिल्स पुपिल्स ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ पुपिल्स ना मेजर लर्निंग लर्निंग डेफिशिएंसी ऑफ पुपिल्स तो कौन आम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करार कारण कौन हो पाकर एंट्री बिहेवियर आम चेक कर एंट्री बिहेवियर ऑफ पुपिल्स पिला एंट्री बिहेवियर आम चेक ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू इज द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान रक्षक किए भारतीय संविधान रक्षक किए से हमर सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपड़ा पेडागोजी क्वेश्चन रही रिकेट्स विटामिन डी स्कॉर्बी इज डैश व्हाट टाइप क्वेश्चन इज नॉट इट ये क्वेश्चन आप अड़ुआ विटामिन रिकेट्स विटामिन डी अभाव रोच तो स्कॉर्बीटा कौन विटामिन सी अभाव रोच तो यहाँ कौ टाइप प्रश्न नुहे बोली से पचार कौ टाइप प्रश्न नुहे यहाँ आपण मानकर कौन हम वस्तुनिष्ठ नुहे ना फिक्स्ड नुहे ना आनालोगी नुहे ना सिलेक्टिव नुहे तो व्हिच इज नॉट से पचार तो देखो यहाँ आम आनालोगी टाइप क्वेश्चन संपर्क स्थापनमूलक यहाँ ठीक अच्छे एटा सिलेक्टिव क्वेश्चन टी कन्फ्यूज लगुच देखने तो यहाँ आनालोगी टाइप तो हम ये नॉट लिखी तो सिलेक्टिव सिलेक्टिव ऑप्शन तो ना सिलेक्टिव तो हेनी फिक्स्ड रेस्पॉन्स टाइप ऑब्जेक्टिव तो यहाँ क्वेश्चन ये देखने ये क्वेश्चन रुक नेक्स्ट भिड नचे जन आप जानते हैं कमेंट बक्स आपने जनवे क्वेश्चन ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन रही मे बी आप नॉट लगे कथ नुह कौ टाइप क्वेश्चन होती है आनालोगी टाइप होता है यहाँ आप क्वेश्चन मिस्टेक अच्छी मे बी आम नेक्स्ट भिड में देखने नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टीचिंग मेथड इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड से कहते कौ टीचिंग मेथडटा चाइल्ड सेंटर्ड नुहे माने शिक्षार्थी केन्द्रिक नुहे बोली से पचार डेमोन्स्ट्रेसन एक्सपेरिमेंटेसन ऑब्जर्वेशन ना प्रोजेक्ट तो देखो शिक्षार्थी केन्द्रिक चाइल्ड सेंटर नुहे बोली से पचार देखु एक्सपेरिमेंटेसन आमर परीक्षण पर्यवेक्षण प्रकल्प ये तीन टा जाकर चाइल्ड सेंटर्ड अटे कि डेमोन्स्ट्रेसन आप लेक्चर मेथड बामर टीचर सेंटर्ड अटे तो आमर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर डेमोन्स्ट्रेसन हूँ गोटे टीचर सेंटर्ड मेथड नॉट चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रिवर वैली इज ऑन द रिवर चंबल से कहते चंबल नदी पर कौ रिवर वैली प्रोजेक्ट अच्छी गोविंद सागर नागार्जुन सागर राणा प्रताप सागर सर्दार सरोवर कौन हम आमर सठिक उत्तर हो राणा प्रताप सागर डैम कौटा राणा प्रताप सागर डैम आमर चंबल नदी उपरे बना जाइछि ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रॉपर्ली शोन ऑन ए ग्लोब से कहते या भितर कौटा को आम ग्लोब्रे ठीक भाव दर्शाई पारा ना या भितर कौटा को आम ग्लोब्रे ठीक रूपे दर्शाई पारा ना डायरेक्शन को दर्शाई पार लोकेशन से कंटिनेंट एगुड़ा कर पारे कि स्मॉल लैंड फॉर्म क्षुद्र भूमि रूप को आम ठीक से आम ग्लोब्रे दर्शाई पारा ना दर्शाई पारे कि ठीक से दर्शाई पार नुहे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर स्मॉल लैंड फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टू प्रिपेयर बट इट इज इवैल्यूएशन क्विक करेक्ट एंड इजी से कहते क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करवा जटिल समय सापेक्ष किंतु मूल्यायन द्रुत निर्भुल आ सहज होता है
ए क्वेश्चन आमर दुटा क्वेश्चन देखिए आम पेड़ागोजी देखिले से क्वेश्चन अलग टाइप थी ए क्वेश्चन टाइम अलग पचार तो ये कौन हम एम सी क्यू ना सर्ट टाइप ना भेरी सर्ट ना लंग आंसर लंग आंसर आप देखी आउ गए आम देखी पेड़ागोजी से लंग आंसर टाइप थी लंग आंसर टाइप आम कौन होना से बनवा सहज आ सरल अटे आधिक समय लगुच लेखापी आसेसमेंट अधिक समय लगुच तो से क्वेश्चन देखी एटा से पचार कौ टाइप क्वेश्चन टाइम अधिक जटिल से पचार तो आमर कौन हम आम एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनैवाटा आमर कौन हो आम बनैवाटा हूँ टाइम टेकिंग बेस समय लगुच कष्ट ता सहित आम यहाँ आम इवालुएसन करवा मूल्यायन करवाटा क्विक होरेक्ट होजी होपशन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय व्हिच कलर इज एग्रीकल्चरल लैंड डिपिक्टेड ऑन द मैप से कहे मानचित्र कौ रंग द्वारा कृषि कृषिभूमि को दर्शा जाए था मानचित्र कृषिभूमि आम एग्रीकल्चर लैंड को आम ग्रीन कलर सबुज कलर में दर्शा जाए था ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर ग्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज नॉट ए कैश क्रॉप से कहते गोटे कौटा अर्थकारी फसल नुहे कैश क्रॉप कौटा नुहे कैश क्रॉप कौटा नुहे सुगर केन मेज कॉटन जूट अर्थकारी फसल कौटा आम आखु अर्थकारी अटे कपा अटे झोट अटे युवा आप कौन कर खास कर बिकापी कर बिक पैसा अर्थ कमाई तो युवाक हूँ अर्थकारी फसल मेज आउ राइस व्हीट एगुड़ाकला मेज माने मक्का आम जो कर्न कौन कर्न फ्लोर कौन कर्न आउ राइस होगा व्हीट होगा युवा हूँ आप कैश क्रॉप नुहे युवाक आ बाकी सब आप कैश क्रॉप से गुड़ा हूँ खाद्य शस्य नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन कैन टेस्ट विथ इट्स एंटायर बॉडी से कहे क्योंटी तहार समग्र शरीर द्वारा स्वाद जापार हनी बी हाउस फ्लाई फिश फ्रूट फ्लाई तो समग्र शरीर द्वारा तार स्वाद बारी पार्टी सी हूँ फ्रूट फ्लाई बा फल माछी ऑप्शन नंबर डी हूँ सटीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वाज द लास्ट फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कहे क्योंटी भारतर स्वाधीनता संग्राम शेष पर्याय बोली कौच मैंने कौटा शेष रही देखो आम चंपारण मूवमेंट आप मानकर केवे 1917 यहाँ सब आगे तापर सिविल डीसी ओबीडियंस मूवमेंट होता आम 1930 दांडी मार्च यहाँ 30 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप 1920 अगस्ट रिवोल्यूशन के 1945 तो लास्ट कौटा है लास्ट रही आम अगस्ट रिवोल्यूशन ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर अगस्ट विप्लव नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका यहाँ आम सोशल साइंस पचार पेड़ा इभीएस पेड़ागोजी पचारूँ से कहे ब्रिटानिका भाषाकोश अनुजाई क्यों विषयटी सामाजिक विज्ञान परिसरभुक्त नुहे कौटा नुहे आमर सोशल साइंस कौन कौटा रोनी इकोनोमिक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एनिमल साइकोलॉजी कौटा रोनी आमर सोशल साइंस कौन अच्छी इकोनोमिक्स अच्छी ज्योग्राफी अच्छी पॉलिटिकल साइंस अच्छी हिस्ट्री आसूँ किंतु एनिमल साइकोलॉजी पशु मनोविज्ञान या भितर आसे ना ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर ए क्वेश्चन मैं दुई तीन थर रिपीट हो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ऑफ द डैम्स इन इंडिया से कहे या भितर कौ डैमटा सब अधिक उच्चतम भारत उच्चतम नदीबंध कौटा भी से पचार भारत सब उच्चतम डैम कौटा उच्चतम डैम हूँ कौटा ना तेहरी डैम आउ सब बड़ पचार लार्जेस्ट भाक्रा नंगल डैम आउ सब लंगेस्ट पचार लंबा पचारे हीराकुद डैम मन रखिए तीन टा जाक मन रखिए टॉलेस्ट पचारे तेहरी लिखे लार्जेस्ट पचार भाक्रा नंगल लिखे आ लंगेस्ट पचारे हीराकुद डैम लिखे इंडिया रो भारत सब बड़ आउ लंबा आउ अपना उच्च ये तीन टा मन रखिले नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच क्राइटेरियन ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर ए क्वेश्चन आम डिस्कशन करते कि यहाँ पुणि थे आसी कहीं नेक्स्ट इयर आपने आसी वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजाबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी तो ऑप्शन नंबर बी हम कंसिस्टेंसी अच्छे मैंने रिलायबिलिटी मारे ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर देखने जापर जे क्वेश्चन मुझ कहीं दु थर ये आटा दु थर आने अर्थ होमर दुई थर एक्जाम पचारि दुई थर पचारि क्वेश्चन नंबर देखने जापर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आम व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन
इज वन गिवन विदिन द ब्राकेट्स बिलो गोटे आमर दे बंधनी भितर गोटे क्वेश्चन देट इज द नेम अफ टाइडल फरेस्ट फाउंड इन द गंगा रिवर डेल्टा से कहते हैं गंगा नदी त्रिकोण भूमि में देखा जाता जुआरिया अरण्यर नाम कौन आनालोगी टाइप ना फिक्सड आंसर टाइप ना मल्टीपल चॉइस ना ओपन आंसर ओपन तो नुह ओपन तो हेनी यहाँ मल्टीपल ऑप्शन तो देनी मल्टीपल चॉइस हेनी ये आम संपर्क निर्णय देनी यहाँ कौन जदि दे था आम गंगा बिहार आउ महानदी तापर ये देखा कौन ओडिशा लिखी यहाँ हूँ संपर्क स्थापन यहाँ भी आम देनी एमती भी देनी से पचारि तो ये कौन ना गंगा नदी त्रिकोण भूमि में देखा जाए जुआरिया अरण नाम कौन गोटे निर्दिष्ट उत्तर अच्छी फिक्सड आंसर टाइप हम फिक्सड आंसर टाइप यहाँ हूँ आम ईवीएस पेडागोजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइज्ड से कहते भारत में केवे प्रथम स्वाधीनता संग्राम संगठित होता केवे आम फास्ट आमर होता 1857 1857 मसीह फास्ट आमर आरंभ होता ऑप्शन नंबर ए हूँ आम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए वायरल डिजीज कौटा गोटे आम भूताणु जनित रोग नुहे स्वाइन फ्लू ट्यूबरकुलोसिस मिसल्स चिकन गुनिया तो देखो चिकन गुनिया मिलमिला मिसल्स आउ स्वाइन फ्लू आउ आपर एड्स आपर जो रही युवा कहे आपर कोरोना वायरस कोरोना युवा कहे वायरल डिजीज बा वायरस टाइप रो अटे भूताणु जनित अटे किंतु ट्यूबरकुलोसिस टाइफॉइड युवा हूँ आपर बैक्टीरिया द्वारा होगुड़ाक बीजाणु जनित बैक्टीरिया द्वारा हुए नॉट वायरल डिजीज तो वायरल डिजीज कौटा नुह ट्यूबरकुलोसिस नुहे मे बी आपको यही एग्जाम ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन दे दी थोड़ा ये आपको थोड़ा टाइफॉइड दे थो तो टाइफॉइड आप मारे ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सैटेलाइट वाज सेंट व्हिच सैटेलाइट वाज सेंट टू स्पेस ऑन 19 एप्रिल 1975 से कहते 19 एप्रिल 1975 रे आमर स्पेस को बा महाकाश को कौ उपग्रह को पठा जाइला कौन पठा जाइला आमर पठा जाइला सैटेलाइट ना हो आर्यभट्ट आर्यभट्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट आर द सब्जेक्ट इनक्लूडेड अंडर एनवायरमेंटल साइंस से कहते ईवीएस कौ कौ सब्जेक्ट अंतर्भुक्त अटे परिवेश विज्ञान आम कौन कौन सब्जेक्ट से भितर इनक्लूड अच्छी ऑप्शन देती साइंस हिस्ट्री लैंग्वेज ज्योग्राफी साइंस ज्योग्राफी मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड लैंग्वेज तो देखु आप एनवायरमेंटल साइंस रे बा स्टडीज रे आपर लैंग्वेज के रोनी ये तो कटो ये आप मैथ तो रोनी ये कटो ये आपर लैंग्वेज देखिए ये भी कटो तो आम कौन हम ना एमर परिवेश विज्ञान में साइंस रोचे ज्योग्राफी रोचे हिस्ट्री रोचे पॉलिटिकल साइंस रोचे तो आम ऑप्शन नंबर सी हम विज्ञान भूगोल इतिहास आउ राजनीति विज्ञान ये सब आम ईवीएस इनक्लूड रोचे ऑप्शन नंबर सी हूँ आम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल टाउन इज सिटी टाउन्स इज सिटेड इन द छोटनागपुर प्लेट्यू से कहते छोटनागपुर मालभूमि छोटनागपुर मालभूमि कौ शिल्प नगरी अवस्थित इंडस्ट्रियल सिटी कौटा अच्छे कौटा अच्छे भिलाई रांची आसनसोल ना दुर्गापुर कौन कौन अच्छी ना रांची अच्छी ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर रांची नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑन व्हिच डे द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल एट ऑल प्लेस ऑन द अर्थ से कहते के दिन पृथ्वीर समस्त स्थान रे दिन और रातिर अवधि समान होता है सब ऑल वर्ल्ड से पचार केमर 21 मार्च आउ 23 सेप्टेम्बर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर सेप्टेम्बर 23rd एंड मार्च 21st ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन तो ना टोटाली 60 क्वेश्चन होगा आपने 60 रु के मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे जदि भिडियो भल लगुच्छी तेल निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिकर अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे तो फ्रेंड्स जदि भिडियो भल लगुच्छे निहाती भाव लाइक
निश्चित रूपे करेंगे। आज जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ और अल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त भिडर नोटिफिकेशन पारे। तो आउटे आपड़ो नेक्स्ट भिड रही आपंपाई राति 10 सुधा मुझ प्रोभाइड करी आपको सोशल स्टडीज्र पेडागोजी क्लास प्रोभाइड करी नचे आपको कौन ना आपको आम सोशल स्टडीज कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्लास आपको प्रोभाइड करी। तो निहत 10:30 to 10:30 भितर आपन एक्टिव रहिबे जहाँ द्वारा आपको बेनिफिट हबो। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।